हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि BTS मेंबर को बहुत ही लॉयल माना जाता है और वो अपनी लॉयल्टी को हर जगह एक्सप्रेस भी करते हैं, और स्पेशली जंगकुक BTS मेंबर के ऐसे मेंबर हैं जो काफी शाई नेचर के हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि रिसेंटली ही जंगकुक पर दो लड़कियों को डेट करने और चीट करने का ब्लेम लगाया गया है, और इस ब्लेम को जंगकुक पर एक आर्मीज के फादर ने लगाया है, जिसके बाद आर्मीज के बीच बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो गई। फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, इसके बाद आर्मीज ने ना जाने BTS मेंबर्स के बारे में कैसे कैसे उल्टे सीधे थॉट्स बनाने लगे, और ये सारी कंफ्यूजन ट्विटर से स्टार्ट हुई और आर्मीज के बीच एक डिस्कशन का टॉपिक बन गया। तो वहीं कुछ आर्मीज ऐसी भी थी जो BTS मेंबर को काफी अच्छे से जानती है, और उन्ही सारी आर्मीज ने BTS मेंबर को लेकर हो रहे इस तरह के कंफ्यूजन को सॉल्व किया। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी जंगकुक को लेकर हो रही कंफ्यूजन की पूरी स्टोरी को जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा BTS के आगे लेटेस्ट न्यूज को जानने के लिए। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली हुआ ये था कि एक इंसान की ट्विटर पोस्ट बहुत ही तेजी से वायरल हो रही थी, और उस पोस्ट में लिखा हुआ था कि आखिर जंगकुक कौन है, और उनके डॉटर ने उनसे कहा है कि जंगकुक उन्हें डेट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी बेटी दिन भर जंगकुक की बातें करती है, तो क्या उनकी बेटी का जंगकुक के लिए इस तरह का अट्रैक्शन देखकर उन्हें वरीड होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मेरी बेटी कहीं किसी डेटिंग ऐप पर तो नहीं है। हालांकि फ्रेंड्स, जब काफी सारी आर्मीज ने इस पोस्ट को देखा तो उन्हें ये चीज काफी ज्यादा फनी लगी, और आर्मीज ये सोचने लगी कि कोई K-pop आइडल को कैसे नहीं जान सकता है। हालांकि फ्रेंड्स, आर्मीज का ये सोचना गलत है, क्योंकि काफी सारे लोग वर्ल्ड में ऐसे हैं जिसने BTS मेंबर का नाम भी नहीं सुना होगा और ना ही उन्हें देखा होगा, जिसके बाद काफी सारे लोगों ने उन अंकल को ये बताना स्टार्ट कर दिया कि जंगकुक बहुत ही लॉयल और बहुत ही ज्यादा अच्छे पर्सन है। और जब आर्मीज ने जंगकुक के फोटोज को शेयर किया तब भी उस लड़की के फादर काफी कंफ्यूज हो गए थे और कहा कि क्या ये वही लड़का जंगकुक है जिससे मेरी लड़की प्यार करती है, और मैं इस लड़के से कैसे मिल सकता हूँ। फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि जंगकुक के बारे में उन्होंने अपने बेटे से भी बात की है, और उनके बेटे ने उनसे कहा कि BTS का मतलब बिहाइंड द सीन्स होता है, जिसके बाद इस लड़की के फादर को जंगकुक बहुत ही बड़े एक्टर लग रहे थे और उन्हें अपनी बेटी पर काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा था ये सोचकर कि उनकी बेटी एक एक्टर को डेट कर रही है, जिसके बाद आर्मी ये सब देखकर काफी ज्यादा अच्छा फील कर रही थी कि किसी आर्मी के फादर इतने ज्यादा अपनी बेटी की केयर करते हैं और उसके लिए इतना परेशान हो सकते हैं, जबकि उन्हें पता भी नहीं है कि जंगकुक कौन है और कहां से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, यही नहीं, इनके पोस्ट पर एक और ओल्ड पर्सन की पोस्ट दिखाई दी जिसमें ये लिखा हुआ था कि मेरी बेटी जंगकुक को डेट कर रही है, और उन्हें लगता है कि जंगकुक एक चीटर है, जिसके बाद आर्मीज ने ये बताया कि जब दूसरे वाले ओल्ड पर्सन का कमेंट पहले वाले ओल्ड पर्सन ने पढ़ा तो उन्हें लगा कि जंगकुक दो लोगों को एक साथ डेट कर रहे हैं और चीट कर रहे हैं। हालांकि फ्रेंड्स, आर्मीज ये सब देखने के बाद दोनों ही लोगों को समझाने की कोशिश की और उन्हें जंगकुक के बारे में काफी कुछ बताया और बोला कि जंगकुक बहुत ही लॉयल पर्सन है, क्योंकि वो अपने आर्मीज से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, और इसीलिए स्पेशली उन दोनों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों भले ही जंगकुक को प्यार करते हो और उन दोनों को डेट करते हो, ये सिर्फ उन दोनों की इमेजिनेशन हो सकती है, क्योंकि ऐसा रियल में कभी भी नहीं हो सकता। हालांकि फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों को ये लगता है कि ऐसी मस्ती किसी आर्मीज ने ही की है और ये अकाउंट कुछ टाइम पहले ही बनाया गया है, इसीलिए ये अकाउंट एक फेक अकाउंट है और ये अकाउंट काफी अजीब अजीब अकाउंट को फॉलो भी करता है। फ्रेंड्स, यही नहीं, काफी सारे आर्मीज का ये कहना था कि ये चीज काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, कि उन्होंने ये बोला कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के मुंह से जंगकुक का नाम सुना है और उन्होंने जंगकुक की स्पेलिंग तक सही लिख दी।
फ्रेंड्स आर्मीज के लिए ये भी मानना बहुत ही इम्पॉसिबल है कि उन्होंने जंगकुक के बारे में कुछ भी नहीं सुना, जबकि उनके बेटे इतने बड़े आर्मीज है जो जंगकुक की दिन रात बातें करती है, जिसके बाद काफी सारे लोगों को ये लगता है कि कोई आर्मी सीक्रेटली ये अकाउंट बनाकर बीटीएस से रिलेटेड बाकी सारी आर्मीज के मजे लेने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये अकाउंट फेक है या रियल, यानी कि क्या ये किसी लड़की के फादर का अकाउंट है या फिर किसी आर्मीज ने ही मजे लेने की कोशिश की है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।